बेसन का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाही में हम लोग 2 टेबलस्पून के करीब घी डालेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे हमें रोस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बादाम लेंगे, उसे रोस्ट कर लेंगे और फिर काजू को रोस्ट करेंगे, फिर किशमिश को या फिर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ गोंद को भी फ्राई करके अलग रख लूँगी। अब उसी कढ़ाई में फिर से 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और 2 कप के करीब यहाँ पे मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर उसमें 2 चम्मच फिर से घी डालेंगे और रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को फिर से, क्योंकि इसे हमें ऐसी कंसिस्टेंसी में लाना है जैसा आप अभी देख रहे हैं। तो अब हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, कार्डमम पाउडर डालेंगे और ब्राउन शुगर डालेंगे और फिर इसका लड्डू बांध के तैयार करेंगे। रेसिपी तैयार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।